तो आप तब भी इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं हमारे पास वो कॉन्सेप्ट या वो वो अहम नुकता वो ये है कि पेयर ऑफ़ वर्ड्स में हमारे पास जो होता है जो लफ्ज़ का तलफ होता है यानी प्रोनाउंसैशन वो सेम होते हैं लेकिन जो स्पेलिंग होते हैं वो उनके चेंज होते हैं मैं आपको मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ़ वर्ड्स मैंने मिलाया लाया आप लोग के लिए और मैं आज आप लोगों को इसके बारे में गाइड करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ नंबर फर्स्ट हमारा है गेट गेट का जी ए टी का ये एक हो गया और जी ए आई टी देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन स्पेलिंग दोनों के अलग है स्पेलिंग और माइनिंग दोनों के फिर अलग होंगे गेट कहते हैं दरवाजे को फिर इसका सेंटेंस दिस हाउस हैज़ टू गेट्स यानी इस घर के दो दरवाजे हैं फिर जी ए आई टी वाला गेट इसको इसे कहते हैं चाल को चाल को यानी हर गेट इज वेरी ब्यूटीफुल यानी उसकी जो चाल है वो बहुत ही खूबसूरत है नंबर सेकंड फियांस, फियांस स्पेलिंग दोनों का चेंज चेंज है दोनों का सेम है, और मानी भी दोनों का चेंज है एक फियांस कहते हैं मर्द मंगेतर को और दूसरा फियांस कहते हैं औरत मंगेतर को इसमें इसमें जो है लास्ट में ये सिर्फ सिंगल सी सी ई -E है और जो हमारे पास दूसरा फियंस है उसमें सी डबल -E ई -E है फियांस का जो मर्द मंगेतर का एग्जाम्पल है आई एम आलियाज फियांस यानी मैं आलिया का मंगेतर हूँ फियांस का औरत मंगेतर आलिया इज माई फियांस यानी आलिया मेरी मंगेतर है नंबर थर्ड हेयर हेयर एच ए आर ई और एच ई आर ई इसके मानी है खरगोश और इसके मानी है यहा, यानि यहा पर, फॉर एग्जाम्पल ही इज कीन ऑफ हेयर कीन हम बोलते हैं शौकीन को, कीन हम बोलते हैं शौकीन को यानी वो खरगोशों का शौकीन है और एच ई आर ई यह कम हेयर प्लीज यानी यहां पर आ जाओ प्लीज नंबर फोर्थ हेयर हेयर एच ई ए आर और एच ए आई आर जो एच ई ए आर है हम कहते हैं सुन सुनना यानी ये, ये कुछ सुनना कानों कानों से कुछ सुनना फॉर एग्जाम्पल प्यूपल वर हेयरिंग टू देयर टीचर प्यूपल हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को प्यूपल हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को हेयर एच आई आर यानी बाल वाइट हेयर्स आर अपेरिंग ऑन हेज हेड यानी सफ़ेद बाल नजर आने लगे हैं उसके सर पर बढ़ते हुए उम्र के साथ नंबर फिफ्थ हेल 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 कहते हैं तंदुरुस्त को यानी पैलवान तंदरुस्त ज़बरदस्त और हेल कहते हैं ई डी को हेल एच एल के लिए तंदुरुस्त के लिए ही इज वेरी यानी वो बहुत तंदुरुस्त है और एच ए आई एल ई डी हर हेल्स आर एंजर्ड यानी उसकी एडी उसकी एड़ियाँ जख्मी हो चुकी है। और सिक्सथ है ह्यूमन ह्यूमन कहते हैं इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन इज़ ग्रेटेस्ट क्रिएशन, यानी इंसान बेहतरीन मखलूक है और एक ह्यूमन एच यू एम एन ई -e कहते हैं मेहरबान को ही एज ह्यूमन ऑन हिस्स फैमिली यानी वो अपने ख़ानदान पे मेहरबान है नंबर सेवन हु, होच यू ई एच डब्ल्यू ई एच यू ई कहते हैं रंग को यानी कलर्स आई लाइक हु ऑफ माई कलर यानी मुझे अपने गाड़ी की का कलर पसंद है और एच डब्ल्यू ओ कांटा यानी स्केल हु आर यूज फॉर वेंग यानी हु जो कहते हैं वजन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं नंबर सेवन वे कहते हैं रास्ते को और डब्ल्यू आई जी एच वे वजन करना वे आई ऑलवेज गो टू गो ऑन दिस वे टू माई होम यानी मैं हमेशा इसी रास्ते पे घर की तरफ जाता हूँ हु कहते हैं वजन करना दीज नट्स आर वेंग अप टू फाइव wh, के जी यानी ये नट्स तकरीबन पाँच किलो है नंबर एट विच विच डब्ल्यू एच आई सी एच और डब्ल्यू आई टी सी एच डब्ल्यू एच आई सी एच कहते हैं कौन से को यानी ये हमारे पास डब्ल्यू एच क्वेश्चन में इंक्लूड होता है फॉर एग्जाम्पल विच फूड डू यू लाइक टू ईट यानी आप कौन सा खुराकाना पसंद करेंगे और वेज कहते हैं जादूगरनी को यानी हमारे पास फीमेल की बातें पे हो रही है बी अवे फ्रॉम विच इज यानी जादूगरनी से आप हमेशा दूर रहे नंबर नाइन्थ ग्लैमर ग्लैमर जी एल एम ओ यू आर और इसका दूसरा जी एल आई डबल एम ई आर ग्लैमर चमक दमक और ग्लैमर टमटमाहट ग्लैमर का एग्जांपल शी लाइक्स ग्लैमर मूवीज़ यानी उसको चमचम चमक दमक वाली मूवीज या शोज़ पसंद हैं ग्लैमर टमटमाहत आई सॉ ग्मर ऑफ स्टार्स एट स्काई यानी रात के टाइम आसमान पे मैंने सितारों की टमटमााहत तम देखी नंबर टेंथ जॉइंट जॉइंट जी ए आई एन टी और जे ओ आई एन टी जॉन्ट कहते हैं देव को और जैन कहते हैं जोड़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑब्जर्व मेनी जॉइंट्स इन माई सिटी यानी मैंने अपने शहर में बहुत से देव को महसूस किया हुआ है और जॉइंट कहते हैं जोड़ को शी हैज़ शवेर पेन इन हिज जॉइंट यानी उसके जोड़ में शदीद दर्द है जॉइंट हम शवेर हम कहते हैं शदीद को जिसको हम इंटेंस बी कह सकते हैं शवेर या केंटेंस इसका सेना होता है नंबर फोर्थ गिल्ट I एल टी गिल्ट कहते हैं एहसास जुर्म यानी मुजरिम। फॉर एग्जाम्पल ही इज गिल्ट ऑफ हिज रॉबरी अपनी चोरी की वजह से लोगों की नज़र में वो एक मुजरिम बना और गिल्ट कहते हैं मलाकारी मलाकारी वो होता है जो सोने को पानी देता है यानी जो ब्रड्स के लिए एक मेडल को देते हैं पानी फॉर एग्जाम्पल ही इज रिच बिजनेस मैन ऑफ गिल्ड यानी वो एक मालदार कारोबारी शख्सियत है मलाकारी काम नंबर ट्वेल्फ गोल जी ओ एल कहते हैं मंजिल को मकाम या मंजिल इट्स हार्ड टू अचीव यानी अपने मंजिल को हासिल करना मुश्किल है यहाँ पे अचीव कहते हैं हासिल करने को हासिल हासिल करना और जी एल फर्स्ट में जो है जी ओ एल है और जो है हमारे पास जी एल है ये कहते हैं जेलखाना को यानी जेल प्रिजन फॉर एग्जांपल आई हैव नेवर सीन गोल इन माय लाइफ यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाना या कैद या जेल को मैंने कभी नहीं देखा नंबर थर्टीन एच यू एन जी हैंग हैंग एच यू एन जी और एच ए एन जी हैंग 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 कहते हैं लटका हुआ ही लाइक्स हैंग थिंग्स इन हीज़ होम यानी लटकी हुई चीज उसको अपने घर में पसंद आती है यानी ही लाइक्स टू हैव हैंग थिंग्स इन हेज़ और हर हाउस और हैंग कहते हैं, हैं पान सी देना यानी पानसी करना या पानसी देना फॉर एग्जाम्पल मिनी गिल हैं नंबर फोर्टीन सोल सोल एस ओ एल ई और उस एस ओ यू एल एस ओ एल ई के थे जूते का तेला। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ वेरी स्माल सोल यानी उसके जो जूते का तेला है वो बहुत ही छोटा है और एस ओ यू एल सोल के थे रूह को सोल इज इन एवरी ह्यूमंस। यानी रूह हर एक इंसान में होता है नंबर फिफ्टीन सीन सीन एस सी ई एन ई एस डबल ई एन सीन मंजर और सीन देखना सीन मंजर फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज सच अ ग्रेट सीन यानी वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक अजीम मंजर था सीन देखना आई हैव सीन मेनी ऑप्स्टिकल्स यानी मैंने बहुत से मुश्किल और रकावटें देखी हैं नंबर सिक्सटीन रेज रेज रेस कहते हैं उठना और रेस कहते हैं गिरा देना रेज छा रेज्ड आफ्टर डिक्ल डिकलेन कहते हैं जवाल को वाल के बाद कड़ा हो गया था या उठा था और रेज गिरा देना आई रेज ग्लास ऑफ वाटर पानी का गिलास गिरा दिया नंबर सेवनटीन रेन 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 कहते हैं बारिश को और रेन कहते हैं है दूर हुकूमत को या रेन एट रेन अलाउट इन मानसून यानी मानसून में बहुत से बारिश होती है और रेन कहते हैं दूर हुकूमत को मुस्लिम हेड गुड रेन यानी मुसलमान की बहुत ही अच्छी दूर हुकूमत इस दुनिया में गुजरी है नंबर एटीन नाइट सवार जंगजू आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड आ नाइट यानी मैं सवार जंगजू बनना चाहता हूँ और नाइट रात यानी रात अंधेरा ही ही प्लेस अलॉट एट मैच यानी वो रात में बहुत खेलते खेलता है